असेंबली इलेक्शंस का तो अभी ब्यूगल बजा ही नहीं है, तो असेंबली इलेक्शन पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ तक आपने कांग्रेस के साथ अलायंस की बात की, ये सही है कि कांग्रेस के तरफ से एक प्रपोजल हमें मिला था, लेकिन हमने तो कांग्रेस को सीधा सीधा ये कहा हुआ है कि वादी की 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार होगा। अगर के ये उनको सूट करता है तो हम बाकी सीटों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वादी की 3 सीटों पे ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार उतरेगा। अब देखते हैं वहाँ से क्या जवाब मिलता है। उमर साहब, असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो सर? हम तो तैयार हैं ना, हम तो इससे पहले ही तैयार थे। हमने जब इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की श्रीनगर और जम्मू में, हमने मतलब इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट के बिना हमने उनसे ये कहा कि एक साइमल्टेनियस पोल होना चाहिए असेंबली का और पार्लियामेंट।